गुड मॉर्निंग एंड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम रचना भार्गव है और आज के इस इवेंट में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक बहुत स्पेशल इवेंट में हैं। वैसे तो मोदी केयर में सारे ही इवेंट्स हम जितने भी लीप पे कर रहे हैं सभी स्पेशल हैं, लेकिन आज कुछ खास है। आज इसलिए खास है क्योंकि हम एक ऐसे लीडर को इनवाइट करने जा रहे हैं, ऐसे लीडर को सुनने जा रहे हैं जो न सिर्फ हमारे मेंटोर हैं बल्कि हमें एक एक स्टेप पर उनकी मदद मिलती है। और जिसे कहते हैं ना कि हमारे दिल में, हमारे दिमाग में कितनी भी तहों में फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन कुछ भी आ रहा हो, तो वह अंदर तक जाके हमने जोश और मोटिवेशन भरने का काम करते हैं। तो आज हम सुनने जा रहे हैं हमारे सीईओ राहुल शंकर जी को, दोस्तों, जो हमें बताएंगे मोदी केयर के प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में। अब बारी आती है मेरा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर जानने की। मेरा नाम रचना भार्गव है और बाय प्रोफेशन मैं एक एजुकेशनिस्ट हूँ। लास्ट 10 ईयर से एक बहुत अच्छे रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट में जॉब कर रही थी। पैसा ठीक ठाक था, मान सम्मान बहुत था, बट एक चीज की कमी लगने लगी थी दोस्तों, वो था वर्क लाइफ बैलेंस, क्योंकि जाने का समय था और आने का समय बिल्कुल भी नहीं था। सुरेखा दीदी मेरी सिस्टर है, फॉर्चुनेटली हमेशा से उनसे मैंने अपने आप को गाइडेंस लिया। और बस जैसे ही लॉकडाउन शुरू हुआ और वापस से अपने फ्रस्ट्रेशन दीदी से शेयर करें, तो जैसे हर बार वो मुझे मोटिवेट करती थी, इस बार भी उन्होंने मुझे मोदी केयर ज्वाइन करने के लिए, बिल्ड करने के लिए मोटिवेट किया। मैं यूजर तो लास्ट बहुत सालों से हूँ, 100% सेल्फ यूजर हूँ, बट जैसे कहते ना अच्छा दिन आना होता है तो आ गया। बस 11 अगस्त का दिन था जिस दिन मैंने सब तरफ से रिजाइन करके और फुल टाइम मोदी केयर बिजनेस बिल्ड करना शुरू किया और अपनी खुशी के दरवाजे खोल लिए। दोस्तों, अगर बात करूं 10 साल में जिस सैलरी पे मैं आई थी, धीरे धीरे वो विदिन 5 मंथ्स मैंने क्रॉस कर लिया और 37,000 का चेक मैंने लिया। दोस्तों, 10 साल लगे थे उस पड़ाव तक आने में, तब भी मैं वहां नहीं पहुंची थी। और सबसे बड़ी बात, वर्क आवर्स मेरे हिसाब से थे, मुझे जब काम करना होता था तब मैं करती थी। तो इस प्लेटफॉर्म को देने के लिए थैंक यू सुरेखा दीदी। और अगर बात करूं, ये मेरा पास्ट था। प्रेजेंट में मैंने आपको बताया कि मैं 37,000 का चेक ले चुकी हूं और एसईडी के लेवल पर वर्क कर रही हूं और बहुत खुशी खुशी इसे बिल्ड कर रही हूं। अब बात आती है मेरे फ्यूचर की, तो सपने देखने छूट गए थे लेकिन मोदी केयर ने और सुरेखा दीदी ने वापस सपने देखने सिखा दिए हैं। तो कार लेने जा रही हूं, दो कार चलाती हूँ, बट क्रेटा कार मुझे बहुत पसंद है और वो भी रेड कलर की। तो रेड कलर की क्रेटा में मैं अपने आप को देखती हूँ। सुरेखा दीदी ना पीछे एक बड़ा सा चेक लिए खड़े दिखती है, मुझे चेक नहीं दिखता, मुझे सुरेखा दीदी दिखती है, क्योंकि अगर उन तक पहुंच गई तो बाकी सारे हर्डल्स तो पूरे हो ही जाने हैं। और एक और सपना है जो सुरेखा दीदी ने ही जगाया है, वो भी है एक फार्म हाउस का, कांच के दरवाजों वाला। तो नो डाउट वो मेरा सबसे बड़ा सपना है जिसपे मैंने अभी तक तारीख नहीं डाली है, लेकिन मोदी केयर है और सुरेखा दीदी है और राहुल शंकर सर जैसे हमारे पास मोटिवेटर्स हैं, तो ये सब कहीं ज्यादा दूर नहीं है। और अब मैं बुलाने जा रही हूँ स्टेज पर सुरेखा दीदी को, जो कि हम सबकी गुरु माँ है। अब तो गूगल भी उनको गुरु माँ का तमगा देता है, नो डाउट वो है इस लाइक कि उनको सब पूजे। और कोई शब्द नहीं है उनकी तारीफ में बात करने का, कोई धन्यवाद जैसा वर्ड नहीं है मेरे पास उनको बोलने का। थैंक यू, ओवर टू यू सुरेखा दीदी। वाओ दोस्तों, आप सोच सकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में कहते हैं भैया आपका वार्म सर्किल आपको मानता नहीं है, आपको आपके साथ ज्वाइन नहीं करता है। और कोई बात नहीं भी करें, आपके सपने कोई अधूरे नहीं रहेंगे, लगे रहो। रचना मेरी रियल सिस्टर है जिन्होंने 24 साल मेरे को देखते हुए, समझते हुए, सक्सेस को देखते हुए भी हानि भरा था। पर जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, जिसका सही वक्त आता है उसको समझ में आ जाता है, तो रचना को समझ में आया। और ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि जब कभी आपको नो मिले, वो नो कभी भी परमानेंट नहीं हो सकती। और खास करके वो नो अगर किसी मोदी केरियन को मिले तो डेफिनेटली उस नो का यू नो इट्स टेम्परेरी। और ये बिलीफ जिसने हमारे दिल में जगाया है, ये विश्वास जिन्होंने हमें दिया है, मोदी केयर को इस लायक जिन्होंने बनाया है, श्री समीर मोदी जी के लिए जोरदार तालियां बजाते हुए मैं आज का अपना सेशन शुरू करना चाहूंगी। जब भी राहुल शंकर जी का नाम आता है तो समीर मोदी जी का नाम जैसे साथ साथ आता है। ऐसा लगता है जैसे एक दिल दो धड़कन जो हमने सुना है ना,
वो कैसे किसी कॉर्पोरेट में नजर आ सकता है, ये हमें राहुल शंकर जी और समीर मोदी जी के रिश्ते में नजर आता है। हर वो सपना जो समीर मोदी जी हमारे लिए देखते हैं, राहुल शंकर जी उस सपने को जीते हैं, और पता नहीं क्या जादू है उनमें कि जो भी सपना वो जीने लगते हैं वो सपना उनके साथ हम लाखों लोग जीने लगते हैं, और फिर उसके बाद हर चीज संभव होती चली जाती है। इस लॉकडाउन पीरियड में हिंदुस्तान के लिए, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के लिए, मोदी केयर के लिए, हम मोदी केरियंस के लिए जो भी राहुल शंकर जी कर गुजरे हैं ना, उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। हम सब सिर्फ अपनी सफलता से, उस ग्रेटिट्यूड से सिर्फ उनका शुक्रिया अदा कर सकते हैं। उस फीलिंग के साथ, उस हैप्पीनेस की फीलिंग के साथ, उस सक्सेसफुल हो जाने की फीलिंग के साथ मोदी केयर को लगातार बड़ा करते चले जाएंगे, अपना बेबी मान करके वो ओनरशिप के फीलिंग के साथ हम शुक्रिया कह सकते हैं सिर्फ। तो आइए, मैं आपके और राहुल शंकर जी के बीच ज्यादा समय नहीं रहते हुए, मुझे पता है हम परफेक्ट फ्यूचर देखने वाले हैं, हमारा प्रेजेंट कितना ग्रेट है, राहुल जी ये बताएंगे। और मैं बता दूं आपको, वो नस नस में, अगर वो खून तो हम मोदी केरियंस के शरीर में वैसे भी गर्म ही है, हमारा आयरन तो हमारा दौड़ता ही है, लोहा तो दौड़ता ही है, पर उस लोहे को राहुल शंकर जी जब बात करनी शुरू करते हैं, जब विजन शेयर करते हैं, तो वो लोहा बहुत खोलने लगता है, वो लावा बन जाता है। तो आइए चलिए बनाते हैं अपने अपने खून को लावा, और फिर एक ऐसी सुनामी लाते हैं उस लावे की कि बस सारे हिंदुस्तान में सफलता की सुनामी आती चली जाए। तो मैं जोरदार तालियों के साथ आप सबकी मदद के साथ स्क्रीन पर बुलाने जा रही हूँ श्री राहुल शंकर जी को। राहुल जी, ओवर टू यू। क्या बात है, गुड मॉर्निंग, की मॉर्निंग सुरेखा जी, रचना जी, आप सबको। रचना जी, ऐसा लग रहा था कि यू नो मिरर इमेजेस हैं आप और सुरेखा जी आमने सामने। So it's a pleasure to hear you. I think you're a good speaker and you have a very good future, by the way. So all the best to you. And you, I'm expecting that we have another Surekha Bhargavaji in the making with you coming in. So all the best to you. Thank you, sir. Thank you, Rachna. जब भी बात करती है तो मैं emotional हो जाती हूँ। मेरे को जितनी भी मैंने जिंदगी में ना पाई ना, वो सब ना का दर्द भूल जाती हूँ, क्योंकि मुझे विश्वास हो जाता है कि हर मोदी केरियन को हर ना आखिर में हाँ में बदलती दिखाई देनी है। थैंक यू सो वेरी मच सर फॉर ऑल योर सपोर्ट, अनकंडीशनल सपोर्ट, हमारे सपने देखने के लिए, हमारे को जो कांटा चुभता है वो कील अपने पैर में महसूस करने के लिए। और सुना था मैनेजमेंट मैनेजमेंट होता है, कंसल्टेंट कंसल्टेंट होते हैं, लीडर लीडर होते हैं, इस गैप को खत्म कर देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो वेरी मच। माई प्लेजर, दिस इज, ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आप यू नो ऐसा इस काबिल मुझे समझते हैं आप लोग। दिस इज इंडीड अ प्रिविलेज फॉर मी। आई कैन ओनली से दैट जब हम बोर्ड रूम में बात करते हैं, मेरी मैनेजमेंट टीम के साथ मैं बैठा होता हूँ, तो एक चीज का ध्यान सब लोग रखते हैं, उस मैनेजमेंट टीम के जो बोर्ड रूम के अंदर एक चेयर होती है विच इज ऑलवेज एम्प्टी, उस चेयर पे एक इनविजिबल कंसल्टेंट बैठा होता है, और ये मैनेजमेंट टीम को मालूम है और हमें सबको मालूम है कि हम जो भी डिसीजन यहां ले रहे हैं मैनेजमेंट के साथ में बोर्ड रूम के अंदर, वो डिसीजन कंसल्टेंट को किस तरह से इंपैक्ट करेगी ये हम महसूस कर पाते हैं। सो आई थिंक दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम जो भी डिसीजन लेते हैं उसका कंसल्टेंट पर क्या पॉजिटिव या नेगेटिव इंपैक्ट आता है, ये एक अहम डिसीजन पॉइंट हो जाता है हमारे लिए। और हम सारे डिसीजंस जो भी लेते हैं वो कंसल्टेंट को मद्देनजर रखते हुए लेते हैं, और यही कारण है कि हम बड़े से बड़े चैलेंजेस को मीट कर पा रहे हैं ऐसे टाइम में। मैं जब आता हूं तो मैं कुछ डेटा जरूर शेयर करना चाहता हूं, तो मैं कुछ डेटा शेयर करता हूं आप लोगों के साथ में। पिछले एक साल में, लगभग सवा साल में, इस महामारी के दौरान 97% फैमिलीज की इनकम कम हुई है इंडिया में, 97%, यानी मात्र 3% फैमिलीज ऐसी रही हैं जिनकी इनकम गिरी नहीं है। नाउ मुझे लगता है कि वो 3% में ज्यादातर मोदी केरियंस ही होंगे, लेकिन आप देखिए कि इतने बुरे वक्त में किस तरीके से आप लोगों ने, सब ने हमारे साथ मिलके इस सिचुएशन को नेविगेट किया है और कहां मोदी केयर को पहुंचा दिया है इन सच अ चैलेंजिंग सिचुएशन। इसी साल में हमने 150 ज्यादा प्रोडक्ट्स लॉन्च कर दिए पैंडेमिक के दौरान, हमने प्लान भी चेंज कर दिया पैंडेमिक के दौरान,
हमने बेस्ट एवर चेक्स भी दे दिए पैंडेमिक के दौरान, हमने सारा का सारा ट्रैवल फंड कंसल्टेंट्स का रिलीज कर दिया बिकॉज कंसल्टेंट्स को जरूरत महसूस हो रही थी। जस्ट इमेजिन बाहर क्या हो रहा है और मोदी केयर की दुनिया में क्या हो रहा है, आप इस जरा सोच के देखिए। एंड दैट इज द पावर ऑफ मोदी केयर। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो टाइम है, दिस इज एक्चुअली द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम फॉर डायरेक्ट सेलिंग स्पेशली इन इंडिया। भारत में डायरेक्ट सेलिंग का सबसे इंपॉर्टेंट जो टाइम है वो अब है। और ये मैं किस लिए बोल रहा हूं, ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं, इस वक्त हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइंस को लॉ बनाने की जबरदस्त कार्यवाही हो रही है। हम सब इन्वॉल्व हैं, मैं इन्वॉल्व हूं, समीर जी इन्वॉल्व हैं, फिक्की के साथ हम इन्वॉल्व हैं, आई एम ऑल्सो द को चेयर ऑफ द फिक्की डायरेक्ट सेलिंग टास्क फोर्स। समीर जी पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं और जितनी भी बड़ी बड़ी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज हैं सब लोग इन्वॉल्व हैं। इस वक्त सबका फोकस सिर्फ ये है कि किस तरह से हम आप लोगों के फ्यूचर को और अच्छे से प्रोटेक्ट कर पाएं, ये डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस को लॉ में जल्दी से जल्दी हम कन्वर्ट कर पाए। सो ये जो आने वाले 2-3 महीने हैं जब डायरेक्ट सेलिंग पूरी तरह से प्रोटेक्ट हो जाएगी, लॉ से प्रोटेक्ट हो जाएगी, डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया ही बदल जाएगी। सो गेट रेडी, ये वो टाइम है जब आपको पूरी रफ्तार से आगे बढ़ना है, पूरे फोकस के साथ इस बिजनेस को करना है, क्योंकि जैसे ही डायरेक्ट सेलिंग का लॉ बाहर आता है उसके बाद आप देखेंगे कि कितनी और कंपनीज, कितने और लोग डायरेक्ट सेलिंग से जुड़ना चाहेंगे। और उस टाइम अगर आप अपना नेटवर्क का मोमेंटम बना पाए होंगे उस टाइम तक, तो आप अच्छे से जानते हैं कि उसके बाद आपकी पैसिव इनकम सेट हो जाएगी फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ एंड फॉर द रेस्ट एंड फॉर ऑल योर जनरेशन टू कम। सो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। आज ही सुबह फ्रेश, एकदम फ्रेश न्यूज आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आज ही सुबह IDSA के साथ पार्टनरशिप करके Ipsos, जो वर्ल्ड की लीडिंग मार्केट रिसर्च कंपनी है, उन्होंने डेटा रिलीज किया है और पूरी डायरेक्ट सेलिंग, ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का डेटा है ये। और उसके हिसाब से हिंदुस्तान जो आज से 2 साल पहले हमारी रैंक 20th थी, 20वीं रैंक थी दुनिया भर में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में, पिछले साल हमारी रैंक 15 थी, यानी 2018-19 के डेटा के हिसाब से, 2019-20 के डेटा के हिसाब से भारत की जो पोजीशन है वो पहुंच गई है नंबर 12 पर। और भारत इस वक्त दुनिया का सबसे तेज रफ्तार से दौड़ने वाला डायरेक्ट सेलिंग देश बन गया है। तो वो दिन दूर नहीं है कि हम इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को उसके पोटेंशियल तक पहुंचा पाएंगे। डायरेक्ट सेलिंग की जो ग्रोथ दर है, ग्रोथ रेट है इंडिया में, वो है लगभग 18%। पिछले 5 साल में डायरेक्ट सेलिंग की ग्रोथ रेट है लगभग 18% साल दर साल। और आप जानते हैं कि मोदी केयर की रफ्तार लगभग 65-70% रही है। तो वर्ल्ड ओवर इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग डायरेक्ट सेलिंग कंट्री, एंड इन इंडिया मोदी केयर इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज। और अगर आप आज मोदी केयरियन हैं, आप मोदी केयर के साथ जुड़े हुए हैं, तो आप दुनिया की सबसे तेज रफ्तार से दौड़ने वाली डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में और भारत में सबसे तेज रफ्तार से दौड़ने वाली डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में, जिस कंपनी की गिनती होती है, उसके साथ जुड़े हुए हैं। और आपको इसकी पावर को एहसास करना चाहिए इसका, और इसको समझना चाहिए। दुनिया भर में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में 74% वेमेन है, लड़कियां हैं, और 26% ही मेन हैं। इंडिया में ये परसेंटेज है 50-50। यानी मैं विमेन को, जितनी भी लेडीज हैं और जो भी लड़कियां हैं जो इस वक्त मुझे सुन रही हैं, मैं उन लोगों से गुजारिश करूंगा कि इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को अपनाएं और इसको अपना फ्यूचर बनाएं, बिकॉज ये इंडस्ट्री उस दिशा में जाएगी ही जाएगी। ज्यादा से ज्यादा लेडीज इस इंडस्ट्री में आने वाले टाइम में जुड़ने वाली हैं।
74% इज द ग्लोबल नंबर फॉर वेमेन इन डायरेक्ट सेलिंग. आज अगर हम हिंदुस्तान के टॉप तीन राज्यों की बात करें, टॉप थ्री स्टेट्स की बात करें, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं ज्यादातर लोग इस वक्त नॉर्थ रीजन से होंगे इस जूम कॉल में, तो नॉर्थ रीजन अब हिंदुस्तान का सबसे बड़ा रीजन बन गया डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में. हिंदुस्तान में जितना भी डायरेक्ट सेलिंग में बिजनेस होता है, लगभग $3 बिलियन का बिजनेस होता है, उस बिजनेस का सबसे बड़ा शेयर नॉर्थ रीजन में होता है. सो नॉर्थ रीजन इज नाउ द लार्जेस्ट रीजन. और अगर उत्तर प्रदेश से कुछ लोग यहां आए तो मैं उनको बता दूं कि नॉर्थ रीजन में सबसे बड़ा स्टेट हो गया है उत्तर प्रदेश. और हिंदुस्तान में सबसे बड़े जो तीन राज्य हैं, नंबर वन है महाराष्ट्र, ये आज का डेटा है, आज ही आया है, सुबह पब्लिश हुआ है डेटा. नंबर वन महाराष्ट्र, नंबर टू वेस्ट बंगाल, और नंबर थ्री स्टेट उत्तर प्रदेश. और मुझे इसमें कोई ताजुब नहीं है, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के हिसाब से अगर हम देखें और उत्तर प्रदेश को एक देश माने तो दुनिया का चौथा सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला स्टेट, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला कंट्री उत्तर प्रदेश होगा, अगर उसको हम एक कंट्री माने तो. तो उत्तर प्रदेश में बहुत जबरदस्त बूम है इस वक्त डायरेक्ट सेलिंग में. तो उत्तर प्रदेश के जो हमारे लीडर्स हैं या जो बड़े लीडर्स हैं उत्तर प्रदेश के बाहर हैं, मैं चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश पे फोकस कीजिए, क्योंकि बहुत जबरदस्त बूम उत्तर प्रदेश में इस वक्त आ रहा है और आने वाले टाइम में ये बूम और भी जबरदस्त तेजी पकड़ने वाला है. डायरेक्ट सेलिंग की हवा उत्तर प्रदेश में बहुत गर्म है, दिल्ली में बहुत गर्म है, राजस्थान में बहुत गर्म है. सो यू शुड जस्ट फोकस इन दीज मार्केट्स. अगर हम एज की बात करें, एज ग्रुप्स की बात करें, तो लोग बोलते हैं कि भाई ज्यादातर यू नो मिडिल एज के लोग डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं. डेटा ये बोलता है, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं दुनिया भर का डेटा ये बोलता है कि 52% डायरेक्ट सेलर्स 35 साल की उम्र से कम है, विच बेसिकली मीन्स आज डायरेक्ट सेलिंग यंगस्टर्स को अट्रैक्ट कर रही है, 18 साल 19 साल के कॉलेज स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट कर रही है. एंड दिस इज वेरी गुड न्यूज, दिस इज वेरी वेरी गुड न्यूज. उतनी फ्रेश एनर्जी, फ्रेश थिंकिंग डायरेक्ट सेलिंग में आ रही है. दोस्तों इस सब के बीच मैं आपको यह भी बता दूं कि पिछले एक साल में लगभग 300 नई डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज ने अपने आप को रजिस्टर कराया है. 300 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज जिन्होंने अपने आप को रजिस्टर कराया है, और ऐसी सैकड़ों और कंपनीज हैं जिन्होंने अपने आप को रजिस्टर नहीं कराया है. कहने का मतलब यह है कि 70 से 100 कंपनीज हर महीना डायरेक्ट सेलिंग से जुड़ रही है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस शुरू कर रही है, धंधा शुरू कर रही है. और मेरी बात मानिए, इतनी ही कंपनीज हर महीना बंद भी हो रही है. अब जब ये इस तरह का माहौल होता है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप समझें कि आपको अपना प्लेटफॉर्म किस पैरामीटर्स पर चूज करना है, क्योंकि जो भी नया प्लेयर आएगा वो अपने आप को सबसे अच्छा बताएगा. जो भी नया प्लान लेके आएगा वो बोलेगा भाई हमारा प्लान सबसे बढ़िया है. कोई 14 लेग का प्लान है, किसी का 16 लेग का प्लान है, किसी का 4 का है, किसी का 2 का है, किसी का 6 का है. जो 2 लेग के प्लान वाला वो बोलेगा ये सबसे इजी है, इधर ही आ जाइए आप. जो 4 वाला वो बोलेगा 4 पे आ जाइए, इससे आसान तो कुछ है नहीं, ना 2 है, ना 14 है, ना 16 है, उसके बीच का है, इस पे आ जाइए. लेकिन सिर्फ प्लान के बल पे आपको डिसीजन नहीं लेना है, आपको बहुत सारी चीजें साथ साथ देखनी है. तो मैं एक आई कैन शेयर माय प्रेजेंटेशन आई होप. यस सर, यू आर द को होस्ट. फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच. दोस्तों ये कहानी है 7 P's की, 7 P's. और ये 7 P's किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को आप असेस करते हैं, हमें भी असेस करते हैं, मोदी केयर लिमिटेड को असेस करते हैं, अगर आप अंदर हैं या मोदी केयर के बाहर हैं, दोनों ही तरीके से अगर आप असेस करते हैं हमें, तो आप इन सब पैरामीटर्स पे असेस करेंगे. पहला P होता है प्रोडक्ट, यानी कंपनी के प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, कंपनी की प्रोडक्ट की पॉलिसी कैसी है, रिटर्न पॉलिसी कैसी है,
ओवरऑल पैकेजिंग कैसी है, प्रोडक्ट देखने में कैसा लगता है, वैल्यू फॉर मनी है या नहीं, वगैरह वगैरह। नंबर टू होता है प्राइसिंग। हर तरह की कंपनी होती हैं, प्रोडक्ट्स को बहुत एक्सपेंसिव करके भी बेचती हैं, और कंपनीज होती हैं जो नॉर्मल रिटेल प्राइस पे भी प्रोडक्ट्स को बेचती हैं। आप प्राइस अगर ज्यादा रखेंगे प्रोडक्ट का, तो हो सकता है आपको पहली बार में एंट्री मिल जाए किसी के घर में, लेकिन उसके बाद आपको मालूम है कि आपके साथ में क्या होता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कंपनी की जो प्राइसिंग स्ट्रेटजी है वो बाजार से अलग ना हो, बाजार के डिफाइन लिमिट्स के अंदर हो, यानी जो टिपिकल रिटेल प्राइसिंग होती है उसके आसपास अगर प्राइसिंग होगी, सो दैट इज ऑलवेज द बेस्ट पोजिशन टू बी इन। सबसे पहले प्रोडक्ट, उसके बाद प्राइसिंग, फिर आता है मार्केटिंग प्लान। प्लान के बारे में जैसे मैंने आपको बताया, बहुत तरह के प्लान बाजार में आपको मिलेंगे। यू हैव टू सी कि उस प्लान का जो सक्सेस है, उसके जो एग्जांपल्स हैं कितने मौजूद हैं। जो भी नई कंपनीज आएंगी वो बहुत तरह के आपको प्रलोभन देंगी, बहुत तरह के आपको एंटाइसमेंट देंगी, लेकिन आपको ये देखना है कि एक ऐसा मार्केटिंग प्लान होना चाहिए जो आपको लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी दे, आपको आपके बिजनेस की जड़ों को मजबूत करे, और ये एक अच्छा प्लान ही कर सकता है। अगर शैलो प्लान होगा, लिमिटेड लेग्स का प्लान होगा, तो आपको मालूम है उसके बाद बिजनेस आपका कितना फ्रेजाइल हो जाता है। हो सकता है कि शुरुआती टाइम में आपकी कुछ इनकम बन पाए, उसके बाद उस बिजनेस को संभालना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। सो यू नीड टू हैव द राइट प्रोडक्ट, राइट प्राइसिंग, राइट प्लान, राइट फिलॉसफी। फिलॉसफी मतलब कंपनी की सोच कैसी है, कंपनी के एथिक्स कैसे हैं, कंपनी की मोरालिटी कैसी है। आपका पैसा सुरक्षित है या नहीं, आपका फ्यूचर सुरक्षित है या नहीं, क्या आपको आपके प्रोडक्ट्स टाइम पे मिलते हैं या नहीं, क्या आपके लॉस को कंपनी अपना लॉस समझती है या नहीं, क्या आपकी इनकम जिस दिन कमिट किया जाए उस दिन या उससे पहले आती है या नहीं। जो तमाम चीजें जो एक अच्छी फिलॉसफी वाली कंपनी में होनी चाहिए, वो आपकी डायरेक्ट सेलिंग जो चॉइस होगी उसके अंदर होनी चाहिए। अच्छे कोड ऑफ एथिक्स होने चाहिए एंड ऑल दैट। नंबर फाइव पे आता है प्रमोशंस। आपका बिजनेस बढ़ाने के लिए कंपनी और क्या क्या करती है। मार्केटिंग प्लान तो सबके पास होता है। कितनी ऐसी कंपनीज हैं जो इस मार्केटिंग प्लान के अलावा आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए आपको टाइमली ऑफर्स देती हैं, टाइमली प्रमोशंस देती हैं, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म प्रमोशंस देती हैं, जिससे आप लीडरशिप बिल्ड करने में आपकी हेल्प हो, आप सक्षम हो पाए। ट्रेनिंग सेटअप कैसा है, ट्रेनिंग प्रमोशंस कैसी होती हैं, कितना स्ट्रांग उस कंपनी का एजुकेशन सिस्टम है, क्या उनके पास सक्सेस प्रिंसिपल्स बाय मोदी केयर यानी SPBM जैसा एक स्ट्रांग एजुकेशन सिस्टम है या नहीं। ये हो गया पांचवा पी। छठा पी, उस कंपनी के प्रमोटर कैसे हैं, यानी वो जो कंपनी के ओनर्स हैं वो कैसे हैं। इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो शायद अगले एक घंटा मैं बात ही करता रहूंगा हमारे समीर मोदी जी के बारे में। समीर मोदी जी इस कंपनी के प्रमोटर हैं। आप सब जानते हैं कि वो इस बिजनेस को जब से उन्होंने स्टार्ट किया है, उन्होंने एक ही बात बोली है कि मुझे मोदी केयर के बिजनेस से एक पैसा नहीं चाहिए, मेरे लिए मोदी केयर का पर्पस जो है, विच इज माय सेवेंथ पी, जो पर्पस है वो है घर घर आजादी। जितना भी पैसा हम मोदी केयर से कमाएंगे, हम कंसल्टेंट के लिए, लीडर के लिए, उसकी उसकी आजादी एक्सेलरेट करने के लिए लगा देंगे, चाहे वो हम प्रमोशंस के द्वारा लगाएं या हम फंड रिलीज के द्वारा लगाएं या किसी भी तरह से लगाएं या उसको ट्रिप्स पे लेकर जाएं, जिस भी तरीके से हम हमारे लीडर्स को आजादी पहुंचा सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों के घरों में आजादी पहुंचा सकते हैं, दैट इज द थिंकिंग ऑफ मिस्टर समीर मोदी। सो ये सात पीज हैं, प्रोडक्ट, प्राइस,
प्लान यानी मार्केटिंग प्लान, कंपनी की फिलॉसफी, कंपनी की प्रमोशन स्ट्रेटजी, कंपनी के प्रमोटर्स यानी ओनर्स, उनकी थिंकिंग और कंपनी का पर्पस, पर्पस यानी विजन। जिस भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के बारे में आप सोचें, चाहे हमारे बारे में भी सोचें, तो ये सातों के सातों पैरामीटर्स के ऊपर सोचें, हमारे 7 P's के ऊपर सोचें। और जो कंपनी इन 7 P's पे खरी उतरे, उस कंपनी के साथ अपना फ्यूचर इन्वेस्ट कर दें। आपको शायद मालूम होगा कि मोदी केयर आज हिंदुस्तान की अग्रणी कंपनीज में मोदी केयर की गिनती होती है। आज हम ग्रेट मिड साइज वर्क प्लेसेस में 2021 में रैंक 5 है, पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में टॉप 50 में, और कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी नहीं है। वी आर द ओनली कंपनी इन द टॉप 50 इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इन द ग्रेट प्लेस टू वर्क रैंकिंग। FMCG रैंकिंग्स अगर हम देखें 2021 में, तो हमारी मिड साइज कैटेगरी में रैंकिंग है नंबर 1। और अगर बेस्ट वर्क प्लेसेस फॉर वुमेन की बात करें, जैसा कि मैंने भी आपको बताया था, आने वाले टाइम में ज्यादा से ज्यादा वुमेन इस बिजनेस से जुड़ने वाली है। 74% ग्लोबली डायरेक्ट सेलर्स वुमेन है। ग्रेट प्लेस टू वर्क फॉर वुमेन में हमारी रैंकिंग टॉप 50 में है, और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में और किसी कंपनी की बेस्ट वर्क प्लेसेस फॉर वुमेन में रैंकिंग टॉप 50 में नहीं है। ये बहुत ही प्राउड फीलिंग वाली बात है, एंड दिस इज समथिंग दैट यू नो वी आर वेरी वेरी हैप्पी अबाउट। ये कोई 6 महीना 8 महीना 1 साल की अचीवमेंट नहीं है, ये हमारे कॉन्स्टेंट एफर्ट्स का नतीजा है कि हम इस मुकाम पे पहुंचे हैं। और आई एम वेरी श्योर कि अगले साल हमारी रैंकिंग 5 से उठ के सीधा नंबर 1 पे होने वाली है। अगर हम ओवरऑल अपनी परफॉर्मेंस की बात करें, सो एट दिस स्टेज, इस वक्त जुलाई में, ओवर जुलाई लास्ट ईयर, हम लगभग 75% से ग्रो कर रहे हैं, 75% से आप ग्रो कर रहे हैं, यानी कि जो हमारे लीडर्स हैं उनकी चेक में बढ़ोतरी लगभग आप अनुमान लगा सकते हैं, लगभग इस दायरे में होगी। तो 75% ग्रोथ ओवर लास्ट ईयर, 75% से ग्रोथ है, और ये सब इस सेकेंड वेव, कोरोना की सेकेंड वेव के बावजूद है। तो सोचिए, ये एक डैम है, एक बांध है जो बस अब खुलने का इंतजार कर रहा है। जैसे जैसे लॉकडाउन खुल रहा है, ये बिजनेस और तेजी से एक्सेलरेट कर रहा है। इस वक्त जुलाई कंपेयर टू जून हम ऑलरेडी लगभग 25% ऊपर चल रहे हैं, यानी जून में जितना बिजनेस हमने किया था उससे लगभग 25% इस वक्त जुलाई में बिजनेस बूम कर गया है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, मानसून धमाका प्रमोशन को आप लोग यूज करेंगे, ठीक से उसको डायरेक्ट करेंगे, तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे जुलाई हम क्लोज करेंगे, वी विल बी एटलीस्ट 30-40% हायर देन जून, और उसी आधार पर आपके चेक भी उसी रफ्तार से बढ़ने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए। मेरी नजर में, अगर आप मेरी नजर से देखें, तो जुलाई विल बी आर बेस्ट एवर मंथ। बहुत ही जबरदस्त मोमेंटम है इस वक्त, और इस मोमेंटम को एनकैश कीजिए। अब ये एक्सेलरेशन, यहां से एक्सेलरेशन होगा कैसे? इस एक्सेलरेशन को करने के लिए हमें 3 चीजें करनी है, और ये 3 चीजें जब हम करेंगे तो हमारा रिटेंशन बढ़ेगा। रिटेंशन के बारे में बात करें, रिटेंशन क्या होता है? जितने भी लोग आज जुलाई के अंदर, जुलाई महीने में जितने भी लोग ज्वाइन करें, 12 महीने के बाद जुलाई के सारे न्यू ज्वाइनिंग में से जितने लोग हमारे बिजनेस के साथ अगले साल 12 महीने के बाद जुड़े रहते हैं, इसको बोलते हैं रिटेंशन। और ये रिटेंशन का फिगर है लगभग 10%, यानी आप 10 लोगों को अगर आप ज्वाइन कराते हैं तो अगले साल जून तक लगभग 10%, यानी 1 कंसल्टेंट आपके साथ जुड़ा रहते हैं। अब अगर हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बात करें तो हम उनसे कहीं बेहतर हैं। जो ग्लोबल फिगर्स हैं वो लगभग 5-6% है, हमारे फिगर्स लगभग 10% है। अगर हमें इस बिजनेस को और भी जबरदस्त तेजी देनी है तो हमें एक्टिवेशन और रिटेंशन को बढ़ाना पड़ेगा। और ये रिटेंशन कैसे बढ़ेगा, इसके लिए हमें 3 चीजें करनी है। सबसे पहले, न्यू ज्वाइनिंग
जो पिछले अप्रैल और मई के महीने में, जून के महीने में थोड़ा सा बढ़ा है, अप्रैल और मई में काफी स्लो डाउन हुआ है, न्यू ज्वाइनी नए लोगों की एंट्री कम हुई है, हमें इस न्यू ज्वाइनी एक्टिवेशन को, न्यू ज्वाइनिंग को और तेजी से बढ़ाना है। हमें जो हमारे मार्च तक के, जो मार्च में जो हम 2.5 से 3 लाख लोगों को मोदी केयर में ज्वाइन करा रहे थे हर महीना, उस फिगर पे दोबारा से पहुंचना है। और जो टूल्स आपके पास अवेलेबल हैं, लॉयल्टी एक्सप्रेस जैसा बेहतरीन प्रमोशन अवेलेबल है, इसका इस्तेमाल करके आपको न्यू ज्वाइनर नंबर्स बढ़ाने हैं। जो लोअर लेवल ऑफ लीडरशिप है हमारी, यानी ऑल द वे फ्रॉम 13% डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ये जो लेवल है लीडरशिप का, इस लीडरशिप लेवल पर हमको रोकड़ा बढ़ाना है, पैसा बढ़ाना है। और अगर इसको फायर अप करेंगे, इस लोअर लेवल ऑफ लीडरशिप को फायर अप करेंगे, तो आपको मालूम है एक्सप्लोजन होना ही होना है। तो अब जितने भी हम प्रमोशंस ला रहे हैं, जितने भी इंटरवेंशंस ला रहे हैं हम लोग, वो आप देखेंगे कि ज्यादातर ये इंटरवेंशंस टारगेटेड हैं इस लेवल ऑफ लीडरशिप के ऊपर। तो जितने भी हमारे 13% डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर, ईडी लेवल के जो लीडर्स हैं, वो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम आपकी आग में घी डालने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हमने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट अलग करके रखी है सिर्फ आपके लिए, जिससे हम आपकी जेब में आपका रोकड़ा बढ़ा पाए। सो गेट रेडी, बिकॉज इस साल इस लेवल ऑफ लीडरशिप की इनकम में बहुत बड़ा बूम आने वाला है, और ये आपको जुलाई से नजर आएगा। तीसरी चीज, हमारी प्रोडक्ट टू प्लान ट्रेनिंग, उसको हमें एक्सेलरेट करना है। यानी जितनी भी जूम ट्रेनिंग्स आप करते हैं, उसमें आपको और ज्यादा से ज्यादा अटेंडेंस बढ़ानी है। जूम ट्रेनिंग्स में अटेंडेंस जो मैं अभी देख रहा हूं पिछले कुछ टाइम में कम हुई है, दोबारा से अभी बढ़ने लगी है, विच इज वेरी गुड टू सी। सो वी नीड टू इंक्रीज आवर प्रोडक्ट एंड प्लान ट्रेनिंग मोमेंटम, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोडक्ट डेमोज वेरी इंपॉर्टेंट, बिना प्रोडक्ट डेमो के आप एक लॉन्ग टर्म बिजनेस नहीं बिल्ड कर पाएंगे। इसी तरीके से प्लान की ट्रेनिंग्स, कैसे आप हमारा 4x4 जो प्लान का ट्रेनिंग मॉड्यूल है, उससे आप कैसे लोगों को 1 लाख रुपए की इनकम तक जल्दी से जल्दी पहुंचा पाएंगे। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ फॉर दिस फेज ऑफ बिजनेस। हमारे नए SPBM टूल्स, हमने आपको काफी सारे नए टूल्स दिए हैं, उनका इस्तेमाल कीजिए, और वेरी वेरी इफेक्टिव टूल्स, बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है हमको भारत भर से इन सब टूल्स के लिए। यूज देम टू योर एडवांटेज, कुछ टूल्स मैं अभी आपको आगे दिखाने वाला हूं। ये एक छोटा सा ट्रेलर मैं आपको दिखाता हूं, हमारी जो LPB प्रमोशन जो इस महीना चल रही है, उसके बारे में अगर हम बात करें, तो हमारे सीनियर डायरेक्टर एंड अबव लीडर्स का काउंट अगर मोदी केयर में देखे तो है लगभग 30,000, यानी 30,000 लोग ऐसे हैं जो सीनियर डायरेक्टर एंड अबव टाइटल पर बैठे हैं। अगर इन 30,000 लोगों में से मात्र 10,000, यानी 3 में से 1 सीनियर डायरेक्टर एंड अबव टाइटल अगर LPB प्रमोशन के लिए क्वालिफाई करते हैं, यानी सिर्फ 10,000 लोग, तो कंपनी का टर्नओवर डबल हो जाता है। यानी हम 200 करोड़ के टर्नओवर को 400 करोड़ का टर्नओवर बना सकते हैं सिर्फ जुलाई में। दोस्तों सोच के देखिए, हाउ डिफिकल्ट इज इट, ये कितना मुश्किल है कि 3 सीनियर डायरेक्टर एंड अबव टाइटल्स, ये इसकी गिनती सीनियर डायरेक्टर से लेकर सिर्फ प्लैटिनम डायरेक्टर्स तक है, 30,000 लोग हैं। इन 30,000 में से अगर 10,000 लोग क्वालिफाई कर जाएं, एक एक लेग भी लेके आए LPB का एडिशनल, तो 200 करोड़ का एडिशनल टर्नओवर मोदी केयर में जुलाई के महीने में आ जाता है। इसी तरीके से अगर हम PGBV प्रमोशन की बात करें, जो लगभग 1,90,000 लीडर्स हैं, ये 1,90,000 लीडर्स, और बाय द वे इसके अंदर मैंने 13% इन लोगों को ऐड नहीं किया, 1,90,000 में से अगर सिर्फ 20,000 लोगों ने PGBV प्रमोशन में अपनी क्वालिफिकेशन की, यानी 45,000 PGBV किया, प्योर PGBV, सो हमारा 200 करोड़ से एडिशनल टर्नओवर बढ़ जाता है, यानी टर्नओवर डबल हो जाता है। हाउ डिफिकल्ट, मैं आपसे पूछता हूं, ये कितना मुश्किल है 1,90,000 लीडर्स में से 20,000 लोगों का, अगर प्योर PGBV, अगर वो डायरेक्टर टाइटल पे हैं तो 45,000 हो जाए, और अगर वो सीनियर डायरेक्टर टाइटल पर है तो 40,000 हो जाए। दिस इज
going to double the turnover. अब बात करते हैं एक्टिवेशन और रिटेंशन की, और मैं आपको अगली 3 स्लाइड्स में दिखाऊंगा कि किस तरीके से एक छोटे से कदम से आप एक आपके बहुत ही छोटे एफर्ट से कितना बड़ा इंपैक्ट ओवरऑल मोदी केयर के बिजनेस पर और आपके बिजनेस पे आ सकता है। आज हमारे को 100 लोग मोदी केयर में ज्वाइन करते हैं हर महीना, मान लीजिए इनमें से सिर्फ 39 लोग, लगभग 40 लोग सेम मंथ में ऑर्डर प्लेस करते हैं, और 9 से 10 लोग, ये 100 में से 9 से 10 लोग ही 12 महीने के बाद मोदी केयर से जुड़े रहते हैं। कारण चाहे कुछ भी हो, अगर इस एक्टिवेशन के नंबर को जो आज 100 में से 40 है, जैसा कि आपने यहां देखा 100 में से 40 लोग आज ऑर्डर प्लेस करते हैं ज्वाइन करने के बाद, इसी महीने में ऑर्डर प्लेस करते हैं, ये नंबर अगर 50 हो जाए, यानी अगर आपके 10 लोगों ने ज्वाइन किया, 10 में से आज 4 लोग ऑर्डर करते हैं और 4 की जगह सिर्फ 5 लोग, यानी सिर्फ एक एक्स्ट्रा एक्टिवेशन हो जाए, तो कंपनी का टर्नओवर लगभग 300 करोड़ से बढ़ता है और बोनस पूल, यानी आपका लीडर्स का बोनस पूल लगभग 92 करोड़ से बढ़ता है। इसी तरीके से आज आपकी टीम में अगर 10 लोग ज्वाइन करते हैं और 12 महीने के बाद देखें तो सिर्फ एक आपके साथ खड़े होते हैं, इसकी बजाय 10 लोग जो ज्वाइन करते हैं 12 महीने के बाद, यह फिगर 1 से बढ़ के 2 हो जाए, तो कंपनी का टर्नओवर 1200 करोड़ से बढ़ता है, यानी अबाउट 370 करोड़ ऑफ एक्स्ट्रा बोनस विल बी अवेलेबल फॉर यू। जस्ट थिंक अबाउट इट, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी पर हम सब बैठे हैं। क्या हम ये छोटा छोटा कदम सब लोग मिलकर ले सकते हैं? अगर हमने ये सिर्फ एक छोटा कदम लिया, यानी हमने 10 लोगों को अगर आज इस महीने ज्वाइन कराया, ये कसम खा लें कि अगले साल जुलाई के महीने में जब आप देखें तो इसमें 10 में से 2 लोग आपके साथ अभी भी जुड़े हों, मोदी केयर का टर्नओवर 1200 करोड़ से बढ़ जाएगा सिर्फ एक ये छोटे से कदम से। लॉयल्टी एक्सप्रेस जो हमने जून और जुलाई के लिए खोला था, और अगर अभी हम एवेल्युएट कर रहे हैं इसको जुलाई से जुलाई अगस्त में एक्सटेंड करें या ना करें, तो वी थिंकिंग अबाउट इट राइट नाउ, बट कुछ फिगर्स मैं जरूर आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। आज लॉयल्टी एक्सप्रेस से पहले, यानी मई के महीने तक, सिर्फ 30% लोग जो ऑर्डर डालते थे उसमें से 30% लोग ही लॉयल्टी ऑर्डर्स डालते थे, यानी 1500 से ऊपर के ऑर्डर्स डालते थे, और अगले महीने तक आते आते उसमें से आधे लोग लॉयल्टी से आउट हो जाते थे, यानी 15% लोग ही रहते थे। जो हमें फिगर्स अब नजर आ रहे हैं लॉयल्टी एक्सप्रेस की, जो 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 फिगर्स हमें नजर आ रहे हैं, ये प्रतिशत काफी हद तक बढ़ गई है। अभी एक्चुअल फिगर्स इस महीने के बाद मालूम चलेंगे, लेकिन सोच के देखिए कि अगर सेकेंड मंथ तक आते आते ये 15% अगर 40% हो जाए तो कितना बड़ा बूम आपके बिजनेस में आने वाला है। अगर हम आज मोदी केयर की बात करें तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सबसे पहले की हैं और एक लीडर की तरह दूसरी कंपनीज को मार्गदर्शन दिया है, करके दिखाया है। नाउ एवरीबॉडी एल्स इज फॉलोइंग अस। आज मोदी केयर में आप किसी भी सोशल मीडिया साइट पर जाएं या किसी भी वेबसाइट पर जाएं, अच्छी पॉपुलर वेबसाइट्स पर जाएं, तो आपको मोदी केयर की एडवर्टाइजिंग नजर आएगी। आज न्यूज़पेपर्स खोल के देखें तो मोदी केयर की मास मीडिया कवरेज नजर आएगी, चाहे वो हमारी सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन हो, चाहे हमारी ग्रेट प्लेस टू वर्क रैंकिंग की सेलिब्रेशंस हो, आपको आज मोदी केयर डिजिटल मीडियम में और प्रिंट मीडियम में एक बहुत ही तेज रफ्तार से दौड़ने वाली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के रूप में नजर आएगा। तो हम बहुत एफर्ट कर रहे हैं ब्रांड को बिल्ड करने के लिए, और जितना जिस तरह की इन्वेस्टमेंट्स हम लेकर आ रहे हैं आने वाले टाइम में अपने ब्रांड के ऊपर, आई कैन टेल यू दैट यू विल बी प्राउड टू कैरी मोदी केयर्स नेम ऑन योर चेस्ट। आपको बड़ा गर्व महसूस होगा मोदी केयर को कैरी कर और ये बताते हुए सबको कि आप मोदी केयर के सिपाही हैं, मोदी केयर के कंसल्टेंट हैं।
आज हमारा जो चैटबॉट है, हमारे पास सिर्फ चैटबॉट ही नहीं है, एक मल्टी लैंग्वेज चैटबॉट है जो और किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के पास शायद नहीं है। आज हमारे पास मोदी के माई शॉप है, यानी वो टूल जो डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर है, ये और किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के पास आज नहीं है। आज आप एक सिंपल सा लिंक किसी को भेजते हैं, वो उस लिंक पे क्लिक करते हैं, आपकी दुकान मोदी केयर की वेबसाइट के ऊपर उनके फोन पर खुल जाती है, आपकी फोटो नजर आती है, आपके बायोडेटा नजर आता है, आप वहां पर अमेजोन की तरह ऑर्डर प्लेस करते हैं, आपका प्रोडक्ट मोदी केयर डायरेक्टली कस्टमर को डिलीवर करता है और आपका रिटेल प्रॉफिट और आपका बीवी आपके बिजनेस में ऐड कर देता है। दिस इज गोइंग टू बी द फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। और अगर आपने माई शॉप को यूज नहीं करना शुरू किया है तो मैं आपको एनकरेज करूंगा कि आज ही अपने अपलाइन से समझिए कैसे मोदी के माई शॉप को यूज किया जाता है, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी द फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। आज हमारे पास मोदी केयर की प्रीमियर सर्विस है जो शायद ही डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में किसी के पास होगी, और ये सर्विस हम बहुत ही जल्दी 30 शहरों में लेके आ रहे हैं, 30 सिटीज। यानी आप आज ऑर्डर करेंगे तो आपको 24 घंटे के अंदर आपका ऑर्डर, आपका बॉक्स आपके घर पर डिलीवर हो जाएगा। आज हमारे पास ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडिंग टेक्नोलॉजी है केवाईसी में। आपने नोटिस किया होगा जैसे ही आप केवाईसी अपलोड करते हैं कुछ सेकंड्स में आपका केवाईसी अप्रूव हो जाता है। ये फैसिलिटी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मुझे नहीं लगता किसी भी और कंपनी के पास है। जैसा मैंने आपको बताया पिछले लगभग 12 महीने में 157 नए प्रोडक्ट्स मोदी केयर में हमने लॉन्च किए हैं और अगले 5 महीने में लगभग 50 नए प्रोडक्ट्स हम लेके आने वाले हैं। बहुत जल्दी हम एक ऐसी ऐप लेके आने वाले हैं जिसका नाम है रोड टू फ्रीडम, रोड टू आजादी, और इस ऐप के द्वारा आप अपने अपलाइन की जरूरत ही महसूस नहीं करेंगे। यानी ये ऐप आपको, आप इसमें चूज करेंगे कि आप का क्या ड्रीम है, कितना पैसा आपको मंथली कमाना है, और ये ऐप आपको आपका प्लान बना के देगी, आपको बताएगी कि आपका क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, आपको बताएगी कि आपको कितनी मीटिंग्स कौन सी करनी है, आपको बताएगी कि आपकी लिस्ट कितनी बड़ी होनी चाहिए, मेमोरी जॉगर, आपको रोज रिमाइंड करेगी ये ऐप आपके फोन पर कि आज आपको क्या करना है, सुबह आपके असिस्टेंट की तरह आपको रिमाइंड करेगी और शाम को आपके कोच की तरह आपको बताएगी कि आपने आज क्या नहीं किया है जिसको आपको कल करना है। दोस्तों तैयार हो जाइए, अगले 8 से 10 हफ्ते में ये ऐप आपके फोन पर आने वाली है। हमारी सिल्वर जुबली सेलिब्रेशंस में बहुत ही बड़ी बड़ी एक्टिवेशंस हम आने वाले टाइम में करने वाले हैं जिसके बारे में हम फ्रॉम टाइम टू टाइम आपको बताते रहेंगे। वेल प्रोडक्ट्स पे बहुत बड़ा फोकस है, बहुत सारे नए बेहतरीन वेल प्रोडक्ट्स हम लेके आ रहे हैं, यहाँ तक कि वेट मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स पे भी हम काम कर रहे हैं और बहुत जल्दी आपको कुछ गुड न्यूज देंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑगमेंटेड रियालिटी, ये सब चीजें, दिस इज गोइंग टू बी द फ्यूचर फॉर ऑल ऑफ अस, और मोदी केयर में हम बड़ी तेजी से इन सब चीजों पर काम कर रहे हैं। आने वाले टाइम में आपका ऑर्डर, आपका ऐप आपको बताएगी कि आपका सजेस्टेड ऑर्डर क्या है, आपको सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स बताएगी, अगर ये प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक है तो आप ये ले सकते हैं, आपकी पिछली परचेज के हिसाब से आपका ऑर्डर प्रीसेट करके बनाएगी। ऑल ऑफ दिस इज गोइंग टू हैपन, ये बहुत जल्दी आपको इसी साल इसके रिजल्ट नजर आएंगे। इंटरनेशनल लॉन्च, यूके में हम बहुत जल्दी जा रहे हैं, जैसा कि आप सुन रहे हैं पैंडेमिक की वजह से थोड़ा डिले जरूर हो गया है, लेकिन बहुत जल्दी आपको हम ये गुड न्यूज देने वाले हैं यूके लॉन्च की, और साथ ही साथ हम 6 और कंट्रीज खोलने वाले हैं, तो यूके प्लस अनदर 6 कंट्रीज इन यूरोप। एसपीबीएम टूल्स, वेरी क्विकली लेट मी जस्ट शो यू डिजिटल ट्रेनिंग हब, अगर आपके पास ये टूल नहीं है तो प्लीज अपने अपलाइन से, एरिया मैनेजर से इस टूल के बारे में जानिए और इसको अपने फोन पर लेके आइए। एक क्लिक ऑफ अ बटन से आप हमारी जितने भी ट्रेनिंग्स हैं उनको आप एक्सेस कर सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारा एक वेल कैटलॉग है, वंस अगेन क्लिक ऑफ अ बटन और आपको वेल के जो भी प्रोडक्ट के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए बड़े इजी फॉर्म में आपके फोन पर खुल जाती है। इसी तरीके से एक होम केयर का प्रोडक्ट ब्रोशर है, कनेक्ट मैगजीन, जो नई कनेक्ट मैगजीन आ रही है डिजिटल कनेक्ट मैगजीन, इसमें भी इसी तरीके से इंडेक्स है, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्राउन डायमंड डायरेक्टर पे जाना है, आप उस पर क्लिक करेंगे और सीधा आपको वो डॉक्यूमेंट आपको सीधा क्राउन डायमंड डायरेक्टर्स पे पहुंचा देगा। इसी तरीके से हमारी आजादी की पाठशाला, क्लिक ऑफ अ बटन, ऑल ट्रेनिंग मॉड्यूल्स आर अवेलेबल फॉर यू, क्लिक करेंगे, टच करेंगे स्क्रीन को और आपके सामने आपके फोन पर हर चीज अवेलेबल हो जाएगी। कैटलॉग, हमारा
सपने कैटलॉग जो बहुत ही जल्दी आज और कल में हम रिलीज करने वाले हैं, इसमें भी इसी तरीके से इंडेक्स दिया गया है। अब प्रोडक्ट्स हम इतनी रफ्तार से ऐड कर रहे हैं कि प्रोडक्ट तक पहुंचने में आपको टाइम लगता है, तो हमने एक इंडेक्स बना दिया है, उस पर टच करेंगे और आप सीधा उस प्रोडक्ट कैटेगरी पे पहुंच जाएंगे। नए प्रोडक्ट्स के बारे में अगर हम बात करें तो ये कुछ प्रोडक्ट्स हमने हाल ही में लॉन्च किए हैं, बहुत जबरदस्त रिस्पॉन्स है, और ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो बहुत जल्दी हम आपके लिए लॉन्च करने वाले हैं। जामुन करेला जूस, गेट रेडी, बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, स्पेशली जो डायबिटिक्स होते हैं उनके लिए इट इज वेरी इफेक्टिव, इट्स कमिंग इन ऑगस्ट। विटामिन सी त्रिफला एंड विटामिन डी, दिस इज कमिंग इन ऑगस्ट। हींग मसाला, इसकी बहुत डिमांड थी, दिस इज कमिंग ऑल्सो इन ऑगस्ट। 8 नए वॉच आ रहे हैं लेडीज एंड जेंट्स, फेस्टिव सीजन है, गिफ्टिंग सीजन है, दिस इज कमिंग टू यू वेरी सून। हेना ऑगस्ट में आ रहा है, ये एक नया लॉन्च है जिसपे बहुत तेजी से काम हो रहा है, ये भी आपको ऑगस्ट में देखने को मिलेगा। दिस इज एन एयर प्यूरिफायर, एकदम टाइमली लॉन्च है, ये वो टाइम है जहां पोल्यूशन बढ़ जाता है खास तौर पर नॉर्थ इंडिया में, और ये एक एक इम्पोर्टेड एयर प्यूरिफायर है। दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट ब्रांड्स इन द वर्ल्ड, मेड इन साउथ कोरिया, गेट रेडी। एक ऐसे प्राइस पर और ऐसे बीवी पर है जो शायद, और ऐसी परफॉर्मेंस है इसकी उस प्राइस पर कि आपको पूरी इंडस्ट्री में इस तरह का प्रोडक्ट, इतना इफेक्टिव प्रोडक्ट इस दाम में और इस बीवी में नहीं मिलेगा। सो गेट रेडी, फास्टन योर सीट बेल्ट्स, दिस इज गोइंग टू बी अ रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट। इसके साथ ही हम एक मल्टी चार्जिंग केबल लेके आ रहे हैं, जो सिर्फ केबल ही नहीं है, एक फोन स्टैंड भी है। सो आप केबल कैरी करेंगे, आपको फोन स्टैंड कैरी करने की जरूरत नहीं है। फेशियल किट, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, आयरन एंड फॉलिक प्लस, रेडी टू ईट फूड 9, रेडी टू फीड 9, रेडी टू ईट फूड्स हम लेके आ रहे हैं, दिस इज ऑल्सो कमिंग इन सेप्टेम्बर। चावल, बासमती चावल, एक्सपोर्ट क्वालिटी, दिस इज कमिंग इन सेप्टेम्बर। ग्रीन टी एंड ब्लैक टी, कुछ एडिशनल 7 नए फ्लेवर्स हम लेके आ रहे हैं, दिस इज कमिंग इन सेप्टेम्बर। टोमेटो केचप, मेयो एंड पिज्जा सॉस, हमारा डेलमोंटे कंपनी के साथ जो एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी है उसके साथ टाइप हुआ है, दिस इज कमिंग इन सेप्टेम्बर। मसाले सेप्टेम्बर, शाही मुखवास, नई डियोज फॉर मेन एंड वेमेन, दिस रेंज इज कमिंग। ये लिपस्टिक हमने हाल ही में लॉन्च की है, क्रीम लिपस्टिक, और 60% बीवी और डीपी वैल्यू लेस देन 300, शायद ही इस दाम पर, इस प्राइस पर और इस बीवी पर आपको डायरेक्ट सेलिंग में कोई लिपस्टिक किसी ब्रांड में मिलेगी, शायद ही मिलेगी। ये प्रिसिशन लिप लाइनर्स, पावर मैट ट्रांसफर रेजिस्टेंट लिप कलर, ब्राउ शेपिंग एंड डिफाइनिंग किट, फाउंडेशन, कंसीलर स्टिक। मैं आपको बता दूं कि अर्बन कलर, खास तौर पर लेडीज इसको ध्यान से सुने, अर्बन कलर इज 100% वेजिटेरियन कॉस्मेटिक ब्रांड, ये एक 100% वेजिटेरियन कॉस्मेटिक ब्रांड है। और मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि जितने भी कॉस्मेटिक्स बाजार में है वो सारे नॉन वेजिटेरियन है, लेकिन मैं ये जरूर आपको बता सकता हूं कि बहुत सारे ऐसे कॉस्मेटिक्स हैं और नामी ब्रांड हैं, बड़े ब्रांड्स हैं कॉस्मेटिक्स के, जो नॉन वेजिटेरियन इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल करते हैं, यहां तक कि लिपस्टिक्स में भी। तो आप सोच के देखिए कि आप कोई लिपस्टिक इस्तेमाल कर रहे हैं और लिपस्टिक अगर आपको कल पता लगे कि वो लिपस्टिक नॉन वेजिटेरियन है तो कितना बड़ा झटका लगेगा आपको। मैं समझता हूं अगर नॉन वेजिटेरियन भी आप हैं तब भी शायद आपको ये झटका लगेगा, अजीब लगेगा कि जो लिपस्टिक आप लगा रही हैं वो नॉन वेजिटेरियन है। तो अर्बन कलर की जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो 100% वेजिटेरियन है, और हम बहुत जल्दी आपको वो इंग्रेडिएंट्स बताने जा रहे हैं जिन इंग्रेडिएंट्स को आप दूसरी कंपनीज के ब्रांड पर, उसके प्रोडक्ट पर देखेंगे तो आप ये चेक कर पाएंगे कि वो कंपनी का प्रोडक्ट नॉन वेजिटेरियन है या नहीं। दोस्तों ये एक और बेहतरीन प्रोडक्ट है जिसको हम अर्बन कलर में लेके आ रहे हैं, और इसके बारे में आपको बता दूं, ये ब्लू लाइट जो है ये बहुत बड़ा हैजर्ड आज की तारीख में बन चुका है। हम सब कंप्यूटर स्क्रीन्स पर और फोन के स्क्रीन्स पर दिन भर काफी वक्त गुजारते हैं, और ये सारे स्क्रीन से एक लाइट एमिट होती है जो ब्लू लाइट कहलाती है, और ये आपके स्किन पर, आपकी आंखों के लिए बहुत ही हानिकारक है। हम एक ऐसी रेंज लेके आ रहे हैं जिससे आप अपने स्किन पर अगर आप लगाएंगे तो आप अपने स्किन को
इस ब्लू लाइट से, इस हानिकारक ब्लू लाइट से प्रोटेक्ट कर पाएंगे। तो ये एक रेवोल्यूशनरी नया प्रोडक्ट है जिसे जिसके हम जिसमें एक फेशियल वॉश ला रहे हैं, सीरम ऑयल ला रहे हैं, जेल स्क्रब ला रहे हैं, क्रीम ला रहे हैं और एक मास्क ला रहे हैं। तो ये ब्लू लाइट स्किन केयर रेंज है, ये बहुत जल्दी हम आपके लिए अवेलेबल कराने वाले हैं। ये तो बात हो गई हमारी तैयारी की, अब थोड़ा बात करते हैं आपकी लीडरशिप की तैयारी की। देखिए हम सब जानते हैं कि इस वक्त कोरोना का माहौल है, बाहर सिचुएशन बड़ी डिफिकल्ट है। आप लोग, कुछ लोग प्रोफेशनल चैलेंजेस से गुजर रहे होंगे, कुछ पर्सनल चैलेंजेस से गुजर रहे होंगे, हेल्थ चैलेंजेस से गुजर रहे होंगे, तो ये डिफिकल्ट टाइम है। अब जब डिफिकल्ट टाइम होता है तो तीन तरह के रिस्पॉन्स होते हैं, तीन तरह की बिहेवियर होती हैं। सुरेखा जी, हाउ मच टाइम वुड आई हैव राइट नाउ? सर आप आराम से 15-20 मिनट भी ले सकते हैं। फैंटास्टिक, आई विल ट्राई एंड कीप शॉर्ट। जितना टाइम सर, जितना टाइम लें, सब ग्लूड है। फैंटास्टिक, थैंक यू। सो आप अगर सिचुएशन में, जब सिचुएशन जब खराब होती है, माहौल जब खराब होता है, तो ये तीन तरह के रिस्पॉन्सेज होते हैं। समझते हैं ये रिस्पॉन्सेज, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, किस तरह के रिस्पॉन्सेज की बात कर रहा हूं। अभी हमारे सामने तीन चीजें नजर आ रही हैं स्क्रीन पर। सबसे पहले आपको एक पोटेटो नजर आ रहा है, आलू नजर आ रहा है, एक एग यानी अंडा नजर आ रहा है और कॉफी पाउडर नजर आ रहा है। अब अगर हम आपको बोलें भाई इन तीनों चीजों को दबाइए और क्रश करने की करने की कोशिश कीजिए, तो जाहिर सी बात है जब आप एक कच्चे आलू को पकड़ेंगे, उसको दबाने की कोशिश करेंगे, तो वो दबेगा, शायद नहीं दबेगा। तो इफ यू रियली स्ट्रांग, बहुत मतलब 5-5 घंटे आप जिमिंग करते हैं और अपने यू नो यू रियली पावर्ड अप, देन यू माइट बी एबल टू क्रश इट। बट ज्यादातर लोग इस आलू को क्रश नहीं कर पाएंगे, कच्चा आलू को क्रश नहीं कर पाएंगे, दबा नहीं पाएंगे। अंडा, अंडे को दबाने की कोशिश करें तो एक एक पर्टिकुलर एंगल होगा अंडे का जहां से आप शायद उसको नहीं दबा पाएंगे, लेकिन ज्यादातर लोग अगर अंडे को दबाएंगे तो उसको तोड़ पाएंगे, थोड़ा सा आपको एफर्ट लगेगा लेकिन आप तोड़ पाएंगे। कॉफी, कॉफी इज द इजीएस्ट, आप उसको, वो तो पाउडर फॉर्म में, आप उसको क्रश करेंगे तो रेत की तरह वो गिर जाएगी, राइट? अब माहौल को बदलते हैं, सिचुएशन को थोड़ा विपरीत करते हैं, डिफिकल्ट बनाते हैं। अब हम बोलते हैं कि हमने तीन अलग अलग बाउल्स में पानी को गर्म किया, उबाला, और उस उबलते हुए पानी में एक बाउल में हमने आलू को डाल दिया, एक में अंडे को डाल दिया और तीसरे में हमने कॉफी पाउडर को डाल दिया। तो कैसे रिस्पॉन्ड करती हैं तीनों चीजें, अब देखते हैं। और इसमें एक लीडरशिप लेसन छुपा हुआ है, उसके बारे में मैं बात करूंगा एक मिनट में। जब हम आलू को उबलते हुए पानी में डालते हैं तो आलू क्या करता है, आलू गिवन कर देता है, अपनी हार मान लेता है गर्म पानी से, गर्म पानी उसके अंदर समा जाता है और जो सॉलिड आलू था जिसको आप दबा नहीं पा रहे थे, अब उस आलू को आप आराम से अपनी उंगलियों से क्रश कर सकते हैं, मुलायम हो जाता है आलू। यानी उस सिचुएशन से, वो सिचुएशन इस आलू पर हावी हो जाती है। ये एक तरह का रिस्पॉन्स मैकेनिज्म है और ऐसा रिस्पॉन्स हमें देखने को मिल रहा है आसपास हमारे। अगर आप देखें अपने आसपास तो आलू जैसा रिस्पॉन्स आपको देखने को मिलेगा, जरूर मिलेगा। दूसरा रिस्पॉन्स देखते हैं अंडे ने क्या किया। जैसे ही आपने उबलते हुए पानी में अंडे को डाला, थोड़ी देर बाद अंडे की एक प्रोटेक्टिव लेयर है, एक हार्ड लेयर है उसके बाहर। अंडे ने बोला कि मैं, अंदर लिक्विड है मेरे जो आराम से टूट सकता है, क्या मैं ऐसा करूं कि मैं अपनी पोजीशन को थोड़ा सा स्ट्रांग बना पाऊं, तो मेरे पास एक आउटर शेल है, इस शेल के अंदर से मैं गर्म पानी को अंदर घुसने नहीं दूंगा और अंदर जो मेरे लिक्विड है उसको मुझसे जितना हो सकेगा मैं सॉलिड बना दूंगा। तो अंडे ने क्या किया, अंडा अंदर से अपने आप को सॉलिड बनाता है। अब देखते हैं कॉफी ने क्या किया। कॉफी को जैसे ही उस पाउडर को आपने गर्म पानी में डाला, तो कॉफी एक बेहतरीन लीडर की तरह, कॉफी ने उस पानी का माहौल ही बदल दिया।
कॉफी ने उस गर्म पानी को कॉफी बना दिया। यानी एक साधारण सा गर्म पानी जिसमें कोई फ्लेवर नहीं था, कॉफी डलते ही उसका रंग बदल गया, उसकी प्रॉपर्टी बदल गई। यानी कि अब आप उस पानी को पिएंगे तो आप में एनर्जी आ जाएगी। आज लोग जिम जाते हैं तो ब्लैक कॉफी पी के जाते हैं एनर्जी के लिए। अब क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं हम, जब सिचुएशन विपरीत होती है, डिफिकल्ट सिचुएशन आती है, अब ये बाहर पैंडेमिक है, जब माहौल खराब होता है, तो जो अच्छा लीडर होता है वो कॉफी की तरह एक्ट करता है, कुछ ऐसा करता है, अपने आप को री इन्वेंट करता है, जिससे वो अपना माहौल, अपने आसपास का माहौल ही बदल के रख देता है। और अगर आप पलट के देखें पिछले लगभग 1.25 साल में और अपने आसपास के उन सारे मोदी केयर के लीडर्स को देखें जिन्होंने सक्सेस पाया है, अपनी इनकम्स बढ़ाई हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने माहौल बदलने की कोशिश की है। और ऐसे लीडर्स के बारे में भी सोचें जिन्होंने शायद आलू या अंडे जैसे किया है, जिन्होंने आलू जैसा रिस्पॉन्ड किया है उनकी इनकम्स गिर गई हैं, जिन्होंने अंडे के जैसे अपने कोशिश की है उनकी इनकम शायद बढ़ी है, लेकिन जिन्होंने कॉफी की तरह माहौल को बदलने की कोशिश की, अपने आप को रीइन्वेंट किया है, कभी डिजिटल ट्रेनिंग नहीं करते थे लेकिन आज दिन भर जूम में मीटिंग्स करते रहते हैं, अपना वर्किंग स्टाइल ही बदल दिया है। सुरेखा जी को देख लीजिए, हमारे तमाम एडवाइजरी काउंसिल के लीडर्स को देख लीजिए, टूट बंधन के जो लीडर्स हैं उनको देख, जितने भी लीडर्स हैं जिन्होंने कॉफी की तरह इस सिचुएशन को रिस्पॉन्ड किया है, उन्होंने माहौल ही बदल दिया है, उन्होंने अपने चेक्स को आसमान तक पहुंचा दिया है। एंड दैट इज द बिग मैसेज आई वॉन्टेड टू गिव। एक छोटा सा ये कहानी शायद आपने सुनी होगी, एक छोटी सी कहानी है, किस्सा है, इसमें भी एक लीडरशिप लेसन छुपा हुआ है, तो मैं जरूर आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, खास तौर पर आज के माहौल को देख के। ये एक तितली की कहानी है। तितली कोकून से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, बड़ा एफर्ट लगा रही थी, छोटा सा होल था उसके बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, बट निकल नहीं पा रही थी, पूरा धक्का लगा रही थी, बट समहाउ शी वॉज नॉट एबल टू। तो एक सज्जन देख रहे थे उसको कि ये बेचारी निकल नहीं पा रही है, इसकी मदद करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, लेके जाके उस कुकून को कैंची से काट दिया, वो तितली बाहर निकल गई। उनको लगा कि उन्होंने उसके लिए कुछ अच्छा किया है, लेकिन आपको मालूम है क्या हुआ, तितली बाहर तो निकल गई लेकिन उसके बाद जिंदगी भर ठीक से उड़ नहीं पाई। क्या कहने का मतलब है हमारा, हमारा मतलब यह है कि कोई भी जो लीडर है, कभी भी अपने अपलाइन को कोई शॉर्टकट का रास्ता ना दिखाएं, क्योंकि इन्होंने अपनी तरफ से अच्छा करने की कोशिश की कि चलो भाई जल्दी से आपको आपका कुकून काटते हैं और जल्दी से आपको उड़ाते हैं। आपको अपने डाउनलाइन को ठीक से नर्चर करना है, उसको वक्त देना है डेवलप होने के लिए, उसको अपनी तरफ से ट्रेन करना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इनऑर्गेनिक जंप्स उसको दिलवानी है कि आपके सामान खरीद लीजिए आपका टाइटल हो जाएगा, आप डायरेक्टर बन जाएंगे तो आपकी दुनिया बन जाएगी, दुनिया आपकी निकल पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपकी आजादी आपको तब मिलेगी जब आपने उस आजादी को हासिल करने के लिए इस तितली के जैसे एफर्ट लगाए होंगे, तभी आपकी आजादी सही मायने में आपको हासिल होगी, तभी आपका लॉन्ग टर्म आपकी आजादी प्रोटेक्टेड होगी। सचिन तेंदुलकर, ही इज माय ऑल टाइम फेवरेट आइकन, और इनकी लाइफ में इतने सारे लेसन्स हैं कि मैं अलग से एक सेशन ले सकता हूं सचिन तेंदुलकर जी की लाइफ लेसन्स पर, बट यहां पर कुछ 4-5 पॉइंट्स हैं जिनको मैं जरूर आपके सामने शेयर करना चाहूंगा। ये वो ट्रेट्स हैं जो किसी भी हाई परफॉर्मर में, जो बड़ा बनना चाहता है, जो अच्छा लीडर बनना चाहता है, खूब सारा पैसा कमाना चाहता है, सक्सेसफुल होना चाहता है, अपनी आजादी हासिल करना चाहता है, लोगों को लीड करना चाहता है, उसमें ये ट्रेट्स होने बहुत जरूरी हैं। पहला ट्रेट, एक बड़ा ही क्लियर गोल होना चाहिए।
ये गोल शॉर्ट टर्म हो सकता है, मीडियम टर्म हो सकता है, लॉन्ग टर्म हो सकता है, अगले एक साल का हो सकता है, अगले छह महीने का हो सकता है, अगले दो साल का हो सकता है, अगले तीन साल का हो सकता है, बड़ा ही क्लियर गोल होना चाहिए। और ये गोल ऐसी जगह लिखा होना चाहिए जहां आपको रोज नजर आए कि ये मेरा गोल है, और आप ही को नहीं आपकी पूरी फैमिली को नजर आए, क्योंकि इस बिजनेस में आपके फैमिली का सपोर्ट उतना ही जरूरी है जितना आपके अपलाइन का सपोर्ट जरूरी है। सचिन तेंदुलकर ने अपना गोल एकदम क्लियर रखा था, उन्हें वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप लिफ्ट करना था, एक दिन मुझे भारत के लिए अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में वनडे इंटरनेशनल टूर्नामेंट वर्ल्ड कप लेके आना है, दिस वॉज हिज गोल। एंड 2011 में उन्होंने वो गोल हासिल किया। मैं नहीं बोलूंगा कि उन्होंने सिंगल हैंडेडली हासिल किया, लेकिन लोगों को इंस्पायर करके, टीम को इंस्पायर करके, लीड करके, भले ही वो कप्तान नहीं थे, लेकिन सब लोग एवरीबॉडी यूज्ड टू लुक अप टू हिम एज एन आइकन, और उन्होंने उस गोल को हासिल किया। जो अच्छा लीडर होता है, हाई परफॉर्मर होता है, वो कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है। अगर हम सचिन जी की बात करें तो एक वर्ल्ड कप में, 2003 के वर्ल्ड कप में जो साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड कप हुआ था, उनके फादर की डेथ हुई, वो अपने फादर की अंतिम क्रिया के लिए हिंदुस्तान आए, और दो दिन के बाद एक बार फिर इंडिया के लिए उन्होंने मैच खेला और उस मैच में सेंचुरी स्कोर की। ही नेवर गॉट डिस्ट्रैक्टेड। मिशन बड़ा क्लियर था, गोल बड़ा क्लियर था, मुझे इंडिया के लिए वर्ल्ड कप लिफ्ट करना है। नंबर थ्री, जो अच्छा लीडर होता है अपने आप को रीइन्वेंट करता है, अपना स्टैंडर्ड हमेशा रेज करता है, वो उस कॉफी की तरह होता है जो मैंने आपको उस कहानी में बताया, जो माहौल के हिसाब से अपने आप को रीइन्वेंट करके माहौल ही बदल देता है। सचिन तेंदुलकर जी ने क्या किया, जब शेन वॉन, जो दुनिया के सबसे जबरदस्त स्पिनर थे, जब इंडिया में उनको आना था, सब लोग घबराए हुए थे शेन वॉन की बॉलिंग से, सचिन जी ने एक नया स्टैंस रीइन्वेंट किया, यानी उन्होंने अपनी बैटिंग की पोजीशन ही चेंज कर दी। वो एक ऐसी पोजीशन पे शेन वॉन के लिए खड़े होने लगे जहां से पूरी की पूरी तीनों की तीनों विकेट्स बॉलर को नजर आ रही थी, यानी एकदम लेग साइड में आके खड़े हो गए। शेन वॉन को समझ नहीं आया अब क्या करें, उन्होंने माहौल को ही बदल दिया, उन्होंने सिचुएशन को कंप्लीटली ओवरटर्न कर दिया। जहां भी शेन वॉन लेग साइड में बॉल करते थे तो उठा के चौका छक्का लग जाता था, सेंटर में बॉल करते थे तो बॉल वाइड चली जाती थी। जब शेन वॉन वापस ऑस्ट्रेलिया पहुंचे तो उनके अपने लफ्ज हैं कि मुझे सचिन तेंदुलकर के डरावने सपने आते हैं। दोस्तों, दैट इज कॉल्ड हाई परफॉर्मर। हमेशा, चौथा पॉइंट, हमेशा अपने मेंटोर को क्रेडिट देते हैं जो अच्छे परफॉर्मर होते हैं। उनके जो मेंटोर थे उनको वो, अचरेकर जी, उनको वो हमेशा उन्होंने रिगार्ड किया, उनको हमेशा क्रेडिट दिया अपने सक्सेस का। हालांकि 12-13 साल की उम्र के बाद उन्होंने उनको कोच नहीं किया था, लेकिन हमेशा उन्होंने उसको, उनको अपनी सक्सेस का क्रेडिट दिया। हमेशा एक हाई परफॉर्मर हम्बल बन के रहता है। कितना भी बड़ा सक्सेस आपके आपको ना मिल जाए, आपको जो अच्छा परफॉर्मर होता है, अच्छा लीडर होता है, वो हम्बल रहता है, कभी भी अपने सक्सेस को अपने नाक पर बैठने नहीं देता है। दिस इज व्हाट सचिन तेंदुलकर टॉट अस। एंड अगर आपको एक सक्सेसफुल लीडर बनना है डायरेक्ट सेलिंग में, अपना स्ट्रांग फ्यूचर बनाना है, लोगों को लीड करना है, ये बड़ा डिफिकल्ट काम होता है लोगों को लीड करना, अगर लोगों को लीड करना है तो ये क्वालिटीज आपके अंदर होनी बहुत जरूरी है। मेरे पास और कुछ किस्से हैं लेकिन उसके बारे में बात नहीं करते हैं, लेट मी जस्ट गो फॉरवर्ड। मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि अब तो जी हम 40 साल के हो गए हैं, अब हम 50 साल के हो गए हैं, इज इट लेट टू ज्वाइन डायरेक्ट सेलिंग? रचना जी, आपने बड़ा लेट, आपको लग रहा होगा आपने बड़ा लेट डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन किया। मैं आपको बता दूं, कर्नल सैंडर्स, कर्नल हार्लैंड सैंडर्स, जो KFC के ओनर थे, केंटकी फ्राइड चिकन, आप लोग सब जानते होंगे दिस रेस्टोरेंट चेन के बारे में, इन्होंने KFC को लॉन्च किया एट द एज ऑफ 65, और KFC बन गई दुनिया की सबसे बड़ी फास्ट फूड चेन्स में, उसकी आज भी गिनती होती है। सो देर इज नो एज टू स्टार्ट डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग कैन बी स्टार्टेड एनी टाइम इन लाइफ।
चाहे आप 60 साल के हैं, 65 के हैं, 70 के हैं, 18 के हैं, 20 के हैं, डजंट मैटर। बस ऐसी सिचुएशन में ना आइए कि आप सोचते रह जाएं और लोग डायरेक्ट सेलिंग में मोदी केयर को चूज करके कहीं के कहीं निकल जाएं। दिस इज द टाइम, दिस इज द मोमेंट। ये वो वक्त है जब आप डायरेक्ट सेलिंग में अपना एक बहुत ही ब्राइट फ्यूचर, अपना यानी जनरेशन का ब्राइट फ्यूचर बना सकते हैं। डोंट मिस ऑन दिस अपॉर्चुनिटी। अगर आपने इस वक्त डायरेक्ट सेलिंग को अपना करियर नहीं बनाया तो शायद आज से 6 महीना बाद, 1 साल बाद, व्हेन यू लुक बैक यू माइट रिपेंट। आपको शायद खराब लगेगा कि जिन लोगों ने इस बात को सुना और उस पर अमल किया, दे हैव रीच्ड यू नो न्यू हाइट्स। वो ऐसी जगह पहुंच गए हैं और वो ऐसे मोमेंटम पर हैं जहां से फिर आपको खराब लगेगा। ऑल आई वुड से इज दैट दिस इज द टाइम फॉर यू टू फासन योर सीट बेल्ट। अपनी सीट बेल्ट टाइट कर लीजिए, क्योंकि अभी जो मैंने आपको दिखाया है पिछले लगभग 1 घंटे में, ये सिर्फ ट्रेलर था। हमने ऐसी तैयारी करके रखी है आपके लिए कि जब ये पिक्चर धीरे धीरे आपके सामने खुलेगी तो आपको विश्वास नहीं होगा। इस तरह की तैयारी हमने आपके लिए की हुई, जिसको बोलते हैं ना, आपके लिए फील्डिंग करके रखी हुई हमने। आपको सिर्फ यही चाहिए कि इस वक्त आप पूरे विश्वास के साथ, पैशन के साथ, कमिटमेंट के साथ अपने बिजनेस को ड्राइव करने में लग जाइए। हमारे SPBM टूल्स को यूज कीजिए, ट्रेनिंग का मोमेंटम बढ़ाइए, प्लान की ट्रेनिंग, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग का मोमेंटम बढ़ाइए, लोगों को अपनी टीम्स के अंदर जोड़िए। और जो पाथ हम आपके लिए तैयार कर रहे हैं, जो आपके अप्लायंस, सुरेखा जी, एडवाइजरी काउंसिल, हमारे जो टॉप लीडर्स हैं, जो रास्ता आपको बता रहे हैं उस रास्ते पे चलिए। और इंशाल्लाह बहुत जल्दी मोदी केयर इज ऑलरेडी बिकम अ फैक्ट्री ऑफ आजादी, और ऐसे हजारों लाखों लोगों को आजादी मिलने वाली है। आप एक जरिया बन सकते हैं उस आजादी का। अगर अपने लिए नहीं सोच रहे हैं तो शायद उन लोगों के लिए सोचिए। कम एंड ज्वाइन दिस मूवमेंट, कम एंड ज्वाइन दिस रेवोल्यूशन। थैंक यू वेरी मच। एंड सुरेखा जी, बैक टू यू नाउ। थैंक यू सो वेरी मच राहुल सर, इट्स अमेजिंग। मैंने ना आपके सेशन के बीच में मेरा ध्यान गया कि लगता है मेरा AC खराब हो गया है। मैंने टेम्परेचर लो किया, उसको 21 किया, फिर 17 कर दिया, और फिर भी इतनी गर्मी थी, मेरे को किसी को बुलाना होगा, मेरा AC खराब हो गया। आई जस्ट थॉट इट अमेजिंग सर, अमेजिंग। मतलब सचमुच जो मैंने कहा था ना, आप जब बोलने लगते हैं तो वो जो हमारे अंदर लोहा है, जो जुनून का लोहा है, जो सपनों का लोहा है, वो लावा बन जाता है सर। एंड बस लगता है क्या कर डालो, जो भी कर रहे हैं वो कम है। मतलब जो अपॉर्चुनिटी आप लोगों ने बना दी है, आपने, समीर जी ने, पूरी मोदी के ड्रीम टीम ने मिलकर के जो अपॉर्चुनिटी बना दी है, उस अपॉर्चुनिटी के लिए जो भी किया जाए कम है सर, इट्स सो अमेजिंग। और जब आप फ्यूचर शेयर करते हैं, बिलीव मी सर, जब भी कोई भी सेशन चल रहा होता है तो मैं लगातार नोट्स बना रही होती हूँ और वो व्हाट्सएप ग्रुप पर लगातार शेयर कर रही होती हूँ टू बिल्ड। ये हमने सबको प्री इवेंट, इवेंट और पोस्ट इवेंट सिखाया है कि इवेंट के बीच में व्हाट्सएप पर माहौल बनाओ। पर आज मैं फेल हो गई। आपने जिस स्पीड से जितनी इंफॉर्मेशन आपने शेयर करी, उसको वर्ड्स देना नेक्स्ट इम्पॉसिबल था। मैंने फिर फाइनली आई जस्ट क्विट। मैंने कहा अभी इसको जी लो, अभी इसको दिल तक जाने दो, दिमाग में भी नहीं आएगा अभी सब कुछ। इट्स टू बिग, टू गुड टू बी ट्रू। तो जस्ट मैंने सोचा अपने दिल तक जाने दो, वो सारी ताकतें अपने अंदर समाने दो, और फिर इसको दोबारा से 2-3 बार फेसबुक पर है देखूंगी, एंड देन सोचूंगी कि भैया अब क्या करना है। इट्स सो अमेजिंग सर, हमेशा की तरह बिल्कुल परफेक्ट। मतलब इतना डेटा जो आप शेयर करते हैं वो बता देता है कि हमारी कितनी पॉसिबिलिटीज हैं। जो आप मोटिवेशन शेयर करते हैं वो बता देता है कि हमारे कैपेबिलिटी में कितना कुछ है। और जब आप मोदी केयर की बारे में बात करने लगते हैं तो हम सबकी गर्दन कुछ इंच डेफिनेटली लंबी हो जाती है विद प्राउड ऑफ परफॉर्मेंस कि हाँ हम लकी हैं, हम मोदी केयरियंस, मोदी केयर का हिस्सा हैं। और समीर जी के लिए बहुत सारी दुआएं निकलने लगती हैं कि उन्होंने आपको और मोदी केयर ड्रीम टीम को हमारे को आप लोगों के हवाले किया है सर। आपकी लीडरशिप एज ए ह्यूमन बींग जो आप हैं, एंड जो भी आप हमारे लिए कर रहे हैं, मेरे पास कभी इनफ वर्ड्स नहीं होंगे आपको थैंक यू बोलने के लिए। बट जोरदार तालियां आपके लिए बजाना चाहती हूँ। थैंक यू जी, एंड यू वेरी काइंड विद योर वर्ड्स। बट मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि हम लोग कुछ नहीं कर पाते अगर आप लोगों का साथ नहीं होता, हमारे लीडर्स का साथ नहीं होता। मैं हमेशा बोलता हूँ कि
ये भी एक बॉलीवुड फिल्म से चुराया हुआ डायलॉग है मेरा, हम ही हम है तो क्या हम है, आप ही आप है तो क्या आप है। सो ये एक डबल डेकर है राइट, और एक फ्लोर दूसरे फ्लोर पे राइड करता है, और ये जो तालमेल है इसी की वजह से ये उड़ान बनती है, अदरवाइज दिस विल नॉट हैपन। सो जितने भी हमारे लीडर्स हैं एवरीबडी, इट इज द क्रेडिट गोज टू यू, और मैं आपको सिर्फ ये विश्वास दिलाना चाहूंगा कि बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट मत होइए, क्योंकि हमने जो तैयारी आपके लिए की हुई है उसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ये वक्त है, काम पे लग जाइए और अपना फ्यूचर सिक्योर कीजिए। इस बिजनेस को हम हमेशा बोलते हैं, आप 18 से 24 महीने अगर जम के इस बिजनेस को दे देना, उसके बाद आपको लाइफ में पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है। और इसी तरह की तैयारी हम आपके लिए कर रहे हैं कि कैसे ये 18 से 24 महीने को भी और क्रंच कर पाए। तो हो सकता है अगले 6 महीने के बाद हम ऐसा बोलना शुरू कर दें, भाई इस बिजनेस को आप 6 महीना दे दीजिए और उसके बाद आपको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है। सो ऑल द बेस्ट टू यू एंड टू एवरीबडी, ऑल द एंटायर लीडरशिप ऑल ओवर इंडिया, एंड आई एम श्योर बहुत जल्दी ये पैंडेमिक खत्म होगा और हम लोग सब मिलेंगे, फिजिकली मिलेंगे और सेलिब्रेट करेंगे। एंड द प्रॉमिस टू यू इज दैट मोदी केयर इज 3 थिंग्स, ईजिएस्ट टू ज्वाइन, फन टू डू एंड इम्पॉसिबल टू लीव, राइट। तो ये एक ऐसी कंपनी है जो सबसे आसान है ज्वाइन करने में, और सबसे ज्यादा मजा आपको इस कंपनी में आएगा, और ऐसा माहौल होगा कि आप इसको छोड़ने के बारे में कभी सोचेंगे नहीं। दैट इज आवर प्रॉमिस टू यू। बिल्कुल ठीक है सर, थैंक यू। समझदार लोग तो कभी नहीं छोड़ेंगे। थैंक यू सो वेरी मच सर, आपको देख के, आपको सुन के, जो कुछ आप कर रहे हैं, क्या कि एक ही बात ध्यान में आती है, फ्यूचर बिलोंग्स टू दोज हु बिलीव इन मोदी केयर। मोदी केयर में जो विश्वास रखते हैं, विश्वास रख करके लगातार परसिस्टेंटली काम करते हैं, वो सफल होते चले जाते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर, एंड डेफिनेटली एक प्रॉमिस आपसे और चाहिए। हाँ जी, ये दिल मांगे मोर वाली बात है सर, इसलिए कह रही हूँ, आपका ये सचिन तेंदुलकर स्पेशल एक सेशन हमको चाहिए। कोई भी नेक्स्ट मंथ की डेट दे दीजिए सर, एंड वी विल बी यू नो ऑन, अमेजिंग रहेगा सर। सचिन जी से सीखना, आज मैंने अभी आपकी एक फोटोग्राफ ली है, आप और सचिन जी दोनों बराबर, हमें तो दो सचिन तेंदुलकर नजर आ रहे हैं, वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट सीईओ। अगर किसी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के पास अगर वो है तो वो हमारे पास है। थैंक यू सो वेरी मच राहुल। थैंक यू, यू आर बीइंग वेरी काइंड टू मी। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, सो वेरी मच। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। वाओ, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, आई थिंक मेरे पास कोई शब्द नहीं है और आपके पास भी नहीं होंगे, और अब हमें शब्द चाहिए भी नहीं, अब हमें कुछ करके दिखाना है। जो कुछ मोदी केयर कर रहा है, जो कुछ समीर मोदी जी कर रहे हैं, जो राहुल शंकर जी एंड टीम मिलकर के कर रही है, उसका सिर्फ एक ही पे बैक है, हम सबका कमिटमेंट, हम सबके यहाँ की स्टेबिलिटी। हमें यहाँ से स्टेबल होना है। बहुत कुछ है जो दुनिया में होता रहता है, हमें यहाँ से अपनी गर्दन के ऊपर अपने सिर को रखना है और स्टेबल रहते हुए कंसिस्टेंटली परसिस्टेंटली मोदी केयर के बेसिक्स को करना है। आपने देखा, एक इतनी बड़ी कंपनी के इतनी बड़ी पोस्ट पे होते हुए भी राहुल शंकर जी भी सिर्फ बेसिक की तो बातें कर रहे हैं। तो बेसिक 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 में भरोसा रखिए। कभी कभी दिखता नहीं है कि ये करने से क्या होगा, अरे बाबा ये ही करने से जादू होगा। और बाकी सब कुछ छोड़ दीजिए, समीर मोदी जी पे छोड़ दीजिए, राहुल शंकर जी पे छोड़ दीजिए, आप जो चीज आपको चाहिए वो आपसे पहले उनको पता होती है, हर चीज उन्हें पता होती है, प्रोडक्ट से लेकर के हर चीज अपनी ही बेस्ट थी, बेस्ट है और बेस्ट रहेगी। तो बस विश्वास के साथ मोदी केयर एक्शन तेजी से करने लगी है। तो जोरदार तालियां हम एक बार सब जने मिलकर के राहुल शंकर जी के लिए बजाना चाहेंगे। एंड फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का सेशन। कल सैटरडे, जैसा कि आप जानते हैं, हमारा कमांडो ट्रेनिंग बूट कैंप आज हुआ था। अब कल 300-350 जो कमांडो हेड्स जो डुप्लीकेट कर रहे हैं, कल डुप्लीकेशन डे है, तो मॉर्निंग में आप लोग आज का जो हमारा डे 11th था, होम मीटिंग कैसे की जाए, सेलिंग वर्सेस काउंसलिंग, इस पे कल आप लोग अपनी टीम में कमांडो ट्रेनिंग डुप्लीकेट कीजिए। और शाम को सैटरडे, जैसा कि आप जानते हैं, शरद चौधरी जी हमें सिखा रहे हैं आजकल सेल कैसे किया जाए, इफेक्टिव सेलिंग सिखाई जा रही है, स्किल सिखाई जा रही है, उसकी बेसिक सिखाए जा रहे हैं। एक नई दुनिया है जिसमें हमने पिछले कुछ 2-3 हफ्तों से एंटर किया है। टारगेट सिर्फ यही है कि हर कोई कम से कम 100 PV करे,
किसी के भी घर में कोई भी प्रोडक्ट एक्स्ट्रा डंप नहीं हो, स्टोर्ड नहीं हो, और ना केवल 100 पीवी करे, अपनी टीम से 100 पीवी कराता चला जाए, हमारा 100 पीवी क्लब बड़ा 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 और बड़ा होता चला जाए। तो कल शाम की 6:30 बजे की ट्रेनिंग में अपने फेवरेट लीडर शरद चौधरी जी को सुनना, उनसे सीखना नहीं भूलिएगा। तो इसी के साथ जोरदार तालियां मोदी केयर के लिए बजाते हुए और जोरदार पीठ अपनी थपथपाते हुए कि थैंक गॉड हम मोदी केयर में हैं, हम आज का ये सेशन खत्म करना चाहेंगे। ऑल दी वेरी बेस्ट टू यू।